वी आर विथ आवर सेकेंड क्वेश्चन नाउ कि एक पंजाबी फिल्म, देखें पाकिस्तान में भी डिफरेंट कौमें हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और ये मूवी पंजाबी में है और एक पंजाबी फिल्म 100 करोड़ हिट कर गई, ये एक बड़ी डिफरेंट बात है। यानी अगर ये उर्दू में होती तो उर्दू के साथ हिंदी कनेक्टेड है, बहुत सारी लैंग्वेजेस कनेक्टेड है, पंजाबी फिल्म 100 करोड़ क्रॉस कर गई। तो मैं अपने एन एक्सपर्ट से पूछना चाहूँगा कि इसकी इसके पीछे क्या रीज़न है सर? देखिए, अगर आप डिजिटलाइजेशन की बात करें और ग्लोबलाइजेशन की बात करें, ग्लोबलाइजेशन के बाद ये एक मिथ बिल्कुल गलत साबित हो गया कि आप फिल्म की जो लैंग्वेज होती है उसका मार्केट सेगमेंट डिसाइड करती है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे पास स्क्विड गेम्स की है, कोरियन प्रोडक्ट है, BTS बैंड है, सही है, ये एक कोरियन प्रोडक्ट है। इसके अलावा मनी हाइस्ट अगर आप देखते हैं तो वो एक साउथ अमेरिकन प्रोडक्ट के लिए बनाया गया था, स्पेनिश मार्केट के लिए बनाई गई थी प्रोडक्ट। नार्कोस लैंग्वेज स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, लेकिन ये तमाम प्रोडक्ट जो थी वो इंटरनेशनल मार्केट में रीच कर सकें, और इसके अलावा इसकी बहुत बड़ी वजह OTT प्लेटफॉर्म्स का होना था। लेकिन इस फिल्म ने दरअसल कुछ बहुत ही बुनियादी प्रिंसिपल्स का ख्याल रखा है। अगर आप थोड़ा सा मार्केटिंग प्रॉस्पेक्ट्स को समझें इसके, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्या कर रही है। देखिए, इस फिल्म ने एक ऐसी लैंग्वेज को चुना है जो कि 148 मिलियन की पॉपुलेशन की लैंग्वेज है। ये वो लैंग्वेज है जो अगर आप देखें, अगर आप UK साइड पे जाएं तो आपको बहुत सारी ऐसी फैमिलीज नज़र आएंगी जिनकी मदर टंग पंजाबी होगी और उनको दूसरी लैंग्वेज उर्दू नहीं आती है, हिंदी नहीं आती होगी, दूसरी लैंग्वेज उनको इंग्लिश आती होगी। तो अब ये एक बहुत बड़ा आपका कल्ट आपको मिल गया कि एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है। अच्छा, अब आप देखें, आप अपने आप को उस बंदे की जगह पर रखें जिसकी पहली लैंग्वेज जो है वो पंजाबी है और दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश है, उसने सारी ज़िंदगी सिनेमा में इंग्लिश फिल्म्स देखी हैं। अब एक पंजाबी फिल्म आएगी, वो जॉक दर जॉक जाएगा, बोलेगा भाई मैंने देखना है, एक्साइटमेंट होगी, ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये, यानी कि ओवरसीज मार्केट आपने टारगेट कर ली, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी, अगर आप फिल्म के बेसिक प्रिंसिपल्स को देखें ना, कि अगर हम फिल्म बनाते हुए जो चीज़ सोचते हैं एज अ प्रोड्यूसर और एज अ इन्वेस्टर जो चीज़ देखनी चाहिए वो ये है कि भाई देखिए, सबसे पहले देखें फिल्म का सब्जेक्ट किस क्लास को हिट करता है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर इस फिल्म के अंदर देखा जाए तो फिल्म अपर क्लास को भी हिट कर रही है, क्योंकि ये एक हाइपर रियलिटी पर बेस्ड है। जैसे जो लोग स्टार वॉर्स देखते हैं, कैप्टन अमेरिका देखते हैं, ये तमाम फिल्म्स देखते हैं जो हाइपर रियलिटी पर बेस करती हैं फिल्म्स, वो इससे काफ़ी करीब है, क्योंकि VFX डाला गया है, एक नई दुनिया बनाई गई है दरअसल इस फिल्म के लिए। और जिस तरह से हम नाइट्स वगैरह की लड़ाइयाँ देखते हैं वैसे काफ़ी हद तक करीब है, तो इसलिए इसकी वजह से आप कह सकते हैं मिडिल और अपर क्लास हिट होती है। इसके अलावा जो आपकी वर्किंग क्लास है, जो आपकी लोअर क्लास है, जो कि ज़्यादातर यूनिप्लेक्स सिनेमाज में जाती है जहाँ पे एक स्क्रीन होती है, जैसे कराची के अंदर अगर आप देख लें तो बम्बिनो हो गया और आपका पहले निशात तो कैपरी हो गया, निशात तो ख़त्म हो गया। इसके अलावा आप प्रिंस वगैरह जो सिनेमाज हैं, ये दरअसल वो सिनेमाज हैं जो यूनिप्लेक्स, ये मैस ऑडियंस को हिट करते हैं, यानी यूनिप्लेक्स मींस सिंगल स्क्रीन। इसकी खास बात ये होती है इसका टिकट प्राइस बहुत सस्ता होता है, तो हर गरीब आदमी इंजॉय कर सकता है, ये जो गरीब की तफरी कहते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। इससे एडवांटेज क्या होता है, आपको मैस मार्केट हिट होती है, बहुत सारे लोग एक साथ फिल्म देखते हैं, आपको बॉक्स ऑफिस रिटर्न आपका कहीं से कहीं चला जाता है। तो सिर्फ ये नहीं, ये तो मैंने सिर्फ कराची की एग्जांपल दी, अगर आप कराची से बाहर जाएं तो पंजाब के अंदर जो आपके रूरल एरियाज हैं, पंजाब का इंटीरियर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ये यूनिप्लेक्स सिनेमाज नज़र आएंगे। तो अब क्या हुआ कि गंडासा कल्चर, ये उनका कल्चर है, ऑटोमेटिकली आपने आपकी वर्किंग क्लास और रूरल क्लास को भी आपने हिट कर लिया, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो मेल जो होता है, मेल ऑडियंस जो होती है, अगर हम जेंडर के हवाले से बात करें, उनको एक्शन पसंद होता है, दैट्स परफेक्टली फाइन, या एक्शन आपको मिल जाएगा। फीमेल ऑडियंस को कोई स्टार कास्ट चाहिए थी, माहिरा मिल गई, ठीक है, बिन रोई वाली माहिरा है और एक जो है आपका द लेजेंड ऑफ द मौला जट की माहिरा है, डिफरेंट है लेकिन वो है, एक कनेक्टिविटी क्रिएट हो गई। फिर दूसरी बात, एथनिसिटी यानी कि सोशल बिलोंगिंग, अब लैंग्वेज के थ्रू आपकी सोशल बिलोंगिंग क्रिएट होती है, 148 मिलियन की पॉपुलेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपको मिल जाती है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस मूवी पे प्रॉपर रिसर्च करके ये मूवी बनाई गई। एग्जैक्टली। इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट है वो है एज का, यानी कि देखें एज के अंदर क्या है, एक आपके मिडिल एज लोग हैं या एल्डरली लोग हैं जिन्होंने किसी दौर के अंदर मौला जट देखी थी, सही, मुस्तफ़ा कुरैशी वाली मौला जट थी। अब क्या हुआ, जब द लेजेंड ऑफ मौला जट आई तो उन्होंने कहा यार बचपन में देखी थी यार, वो इतने अरसे पहले देखी थी, नाउ वी नीड टू गो बैक, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको वो ऑडियंस भी मिल गई और यंग ऑडियंस आपने मार्केटिंग के थ्रू और आपने हाइपर रियलिटी वो जो आपने एक तरह से इसका एक हाइप क्रिएट की आपने उसके थ्रू गेन कर ली। इस तरह से इस फिल्म ने अगर कहा जाए कि हर तरह की मार्केट को कैप्चर करते हुए बहुत सोच समझने के बाद ये तमाम वो प्रिंसिपल्स हैं जो दरअसल दुनिया के हर अच्छे फिल्म स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई हर चीज़ की एजुकेशन ज़रूरी है,
तो अब आप जो भी काम करते हैं, जैसे मेडिसिन कर रहा है वो बंदा डॉक्टर पढ़ के करेगा, तो जो बंदा पढ़ के कोई काम करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़ की। और ये चीज़ बिलाल आचार्य ने जाहिर की कि भाई उसने एक दो मरतबा एक्सपीरियंस किया और उसने जो अपना जो ब्लॉक बस्टर किया, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान एंड बिलाल आचार्य। यानी इसमें मैं जो एक मैसेज ये है कि द रिसर्च इज़ वेरी, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ फ्रॉड्स वगैरह पर भी बनाई है, किसी बिजनेस पर भी बनाई है, तो आप सब एजुकेट हों और फिर उस काम को करें। थैंक यू।